नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हर बार की तरह मैं अलग अलग टॉपिक पर कुछ वीडियोस बनाता हूं, जिनके माध्यम से एक सकारात्मक सोच के लिए बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा काम करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और वो कोई भी काम करने के लिए जब तैयारी करते हैं तो बहुत ही जोश के साथ उस काम की वो शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं उनको बीच में टोक देते हैं कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं या सही ढंग से आप नहीं कर रहे हैं। तो कुछ उन लोगों की सलाह मानकर वो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब, मैं इस कहानी के माध्यम से मैं एक संदेश देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही क्या है कि एक मकड़ी थी, तो उसने एक दिन सोचा कि मैं एक जाल मैं बनाऊँ, जाल जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ उसके अंदर फंसें, जिससे कि मैं आराम से उनको खा के अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँ। तो उसने सोचा, तो एक दिन उसने एक कमरे के अंदर उसने एक कोना देखा, और कोने के अंदर उसने अपना जाल बुनाना चालू कर दिया। जब उसने जाल बुनते बुनते बड़ी लगन से उस जाल को बना रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि ये जाल पूरा हो जाएगा और इसके अंदर मक्खियाँ या कीड़े जो भी फंसेंगे मैं उनको आराम से खाऊंगी उनको रोज़ाना, तो उसी समय वहाँ पर एक बिल्ली आई और उसको देखकर वो हंस रही थी। तो बिल्ली को हंसते हुए देखकर जो मकड़ी है उसको गुस्सा आया कि आप मतलब क्यों हंस रही हो मेरे ऊपर। तो बिल्ली ने बड़ी चतुराई से उसको जवाब दिया कि हंसू नहीं तो मैं क्या करूँ, तो आप इतनी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही हो, ये जो कमरा है इसका जो कोना है ये साफ़ सुथरा है, तो साफ़ सुथरी जगह पता है कि यहाँ मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, और जैसे घर वाले जो लोग हैं हो सकता है कि उनकी भी इसके ऊपर नज़र पड़ जाए, वो भी इसको साफ़ कर दे तो तुम्हारा ये जो जाल है ये चला जाएगा। तो बिल्ली की जो सलाह है उसको उचित लगी, तो मकड़ी को बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसका आधा जाल लगभग बन चुका था। फिर उसने दूसरी जगह देखी, तो दूसरी जगह देखी उसने, देखते देखते उसको एक खिड़की नज़र आई, तो खिड़की पे उसने जाल बुनना चालू किया कर दिया। जैसे ही उसने बुनना चालू किया तो वहाँ पर एक चिड़िया आ गई। तो चिड़िया ने उससे कहा कि भाई क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। तो उसने कहा मैं जाल बना रही हूँ। तो उसने कहा कि तुम यहाँ खिड़की पे बना रही हो, यहाँ पर जो हवा का जो झोंका आएगा या कोई भी आंधी तूफान या कुछ भी आएगा तो तुम इस जाल के साथ साथ तुम भी यहाँ से उड़ जाओगी। तो उस चिड़िया की उसको मकड़ी को बात अच्छी लगी, ये बात तो सही है। जब उसने दूसरी बार जब कोशिश की जाल बनाने की तो वो उस समय तक काफ़ी थक भी चुकी थी। बाद में उसने और जगह देखी, फिर तो उसको एक आलमारी मिली, तो आलमारी में उसने एक आलमारी में उसने जाल बनाना चालू किया ही था, तो उसी समय वहाँ पर फिर एक उसको सलाह देने वाला आ गया, एक कॉकरोच उसको देख रहा था, कॉकरोच। तो उसने देखा भाई क्या कर रही हो यहाँ, तो उसने देखा भाई मैं जाल बना रही हूँ। तो उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पर जाल बना रही हो, ये जो आलमारी है आज इसके पास है, कल दूसरे के पास चली जाएगी, और फिर ये कबाड़ी वालों को बेच देंगे इसको, फिर तुम्हारी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उस समय तक वो जाल बनाते बनाते काफ़ी निढाल हो चुकी थी, थक चुकी थी, उसको भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो उसको बात भी ठीक लगी कि ये भी बेकार है। फिर वो थक चूर के थक गई एकदम, फिर उसने और कहीं बनाने की उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी। फिर उसने उसकी नज़र जो मकड़ी है एक चींटी के ऊपर पड़ी, उसकी चींटी बिल्कुल ही एक छोटा सा जीव जो होता है, तो उसने उससे एक सहायता मांगने की कोशिश की, सलाह मांगने की कोशिश की। तो उसने चींटी से कहा, तो चींटी ने उसे बड़ी समझदारी से उसको मकड़ी को कहा कि देखिए आपकी आप यदि शुरुआत में जाल बना लेती और अनर्गल बातों पे किसी कहने में नहीं आती तो आप अब तक आपका जाल भी बन चुका होता और आपको जो आपका जो भोजन है कीड़े मकोड़े वो ही मिल चुके होंगे। तो जब कभी हम जो लोगों के जो अनर्गल जो सलाह हैं उनके जब चक्कर में हम आ जाते हैं तो हमारा हाल ऐसे ही होता है। तो निढाल सी वहाँ पर मकड़ी पड़ गई और उसका आप अंत समझ ही सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमने केवल ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है, हम कोई काम शुरू करते हैं और शुरू शुरू में तो हम उस काम को बड़े उत्साह से करते हैं और
लेकिन कुछ लोग जो आ जाते हैं उन अनर्गल बातों की वजह से हमारा उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के बहुत ही नज़दीक थे और पछताने के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो एक छोटा सा एक संकेत है इस कहानी के द्वारा, एक मैसेज है कि हम सुने सबकी पर निर्णय करें, निर्णय हम स्वविवेक से करें। कहने वाला सुने सबकी और करें मन की, या हम यो कहें सुने सबकी पर निर्णय स्वविवेक से करें। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक प्रेरणादायक कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से केवल मैंने यही समझाने की कोशिश की, आप जो भी काम करें उसको तन से मन से उसको काम को करें, उसमें मन लगाकर काम करें। हाँ, वाकई में आपका जो हितैषी है आपको यदि सही सलाह दे रहा है तो उस पर आप गौर करें, लेकिन ये नहीं कि चलते फिरते किसी ने बोल दिया और आपने अपने काम को बीच में छोड़ दिया। तो आप, मैं हर बार की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि आप यदि मेरे सोशल मीडिया से आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अंदर विभिन्न सोशल मीडिया है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप। मैं अभी देश भर में 12 मोटिवेशनल ग्रुप मैं चला रहा हूँ, उसके अंदर केवल मोटिवेशनल की चीज़ें होती हैं। तो आप उससे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और आप इस बुक के अंदर, ये मैंने एक छोटी सी बुक तैयार की है, इसका इसमें लिखा हुआ है यह है आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके अंदर मैंने कुछ कैसे हम पढ़ें, कैसे सफलता प्राप्त करें, उनकी कुछ मैंने टिप्स बताई हैं। ये अभी पूरे देश भर में हज़ारों की तादाद में मैं बांट चुका हूँ। यदि आपको ये चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप देश में कहीं भी किसी भी जगह निःशुल्क मोटिवेशन के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।